दिल्ली कुंडली बार्डर जड़ा है उस जगह ते जीटी रोड जिथे हुण जीटी रोड की समाप्ति होके इदां लगता जिवें समुचा ही पंजाब की हिंदुस्तान ही इत्थे आके वस गया होवे। तकरीबन 2 घंटे लगे इत्थों हौली हौली इत्थे पहुंचदियां गड्डियां दे विच। ते सब तो पहला मैं साडियां बजुर्ग मातावां साडे जिहड़े बजुर्ग इत्थे पिछले तकरीबन 1 महीने तो उपर हो गया ते गुरु दियां लाड़लियां निहंग सिंह फौजियां भी ते साडे सत्कारयोग जिथे महापुरख आए ने दल पंथ बाबा विधि चंद दे बाबा अवतार सिंह जी मुखी तरन मुखी दल पंथ बाबा विधि चंद जी ते बड़े सत्कारयोग जथेदार बाबा गजन सिंह जी मुखी तरना दल बाबा बकाला साहब ते बाबा मेजर सिंह जी दशमेश तरना दल रंगरेटा तरना दल जिहड़ा ते नाल तरने दल दे सारे ही उन्हां दे विंग ते जिन्ने भी तरने दल ने सारिआं दे नुमाइंदे जथेदार बाबा निहाल सिंह जी हरियां वेलां वाले वो पहला भी हाजरी लवा के गए ने ते अज भी उन्हां दे सिंह नाल आए ने ते साडे बड़े प्यार वाले सरदार ओंकार सिंह जी जिहड़ा इन्हां दा परिवार बुढ़ा दल दा पुरातन बहुत समय तो जिहड़ा बाबा चेत सिंह जी उन्हां वेले तो लैके श्रद्धालु परिवार है। ते तुसी जिहड़ियां सामने बैठियां समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां मेरे नाल बाबा मनमोहन सिंह जी बारन वाले ते होर भी ये जौली परिवार है दिल्ली तो होर भी बहुत सारिया निहंग सिंह गुरु दियां लाड़लियां फौजां नाल पहुंचियां ने। सारिया तो पहला मैं तुहानू सारिया इस समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं गज के फतेह गजाउंदा गज के फतेह गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज ये जिहड़े किसान भरावां ने मोर्चा शांतमई जिहड़ा मोर्चा लाया है पिछले तकरीबन 3-4 महीनों तो जिहड़े 3 काले कानून किसानां दे उपर जबरी जिहड़े थोपे गए ते उहदा किसानां ने विरोध किया जिथे किसान भरावां दे नाल समुचियां ही साडियां धार्मिक जथेबंदियां भी इन्हां दे नाल तन मन धन दे नाल खड़ियां ने। उत्थे ही निहंग सिंह फौजां जिहड़ियां ने उह भी पूरियां तनदेही दे नाल इन्हां दे नाल खड़े ने। खड़े ही नहीं समुचे ही किसान भरावां दे नाल तन मन धन हर पक्षों इन्हां दे नाल अगे हो के जिहड़े इन्हां दी लड़ाई लड़ रहे हां। ते मैं बेनती करनी चाहुंदा समुचे ही जिहड़ी सेंटर सरकार है खास करके नरेंद्र मोदी जिहड़े प्रधानमंत्री ने भावें वह बहुत होर भी उन्होंने कानून लियांदे पर जिहड़ा ये किसानां दे खिलाफ जिहड़ा ये कानून कहिंदा मैं ये किसानां दे जिहड़ा ये 3 कानून ने इन्हां दे हक च लियांदे ने। जे किसानां नूं चंगे ही नहीं लगदे तो वह कादे वास्ते कानून लियांदे ने। इस करके मोदी नूं यह चाहीदा वह तिन्ने जिहड़े कानून ने काले कानून उन्हां नूं रद्द करके ते किसानां दीआं जिहड़ियां इह समुचे कल्ले पंजाब दी नहीं समुचे हिंदुस्तान हरियाणे दीआं सारे किसान जिहड़े भरा एक जिहड़े उहदे स्टेज ते खड़े ने मैं नरेंद्र मोदी उन्हां दी सेंटर दी सरकार नूं यह चेतावनी देनी चाहुंदा निहंग सिंह फौजां जिहड़ियां ने जिन्हां ने श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तहत की अगवाई दे विच पहला भी 19 वारी जिहड़ी दिल्ली फतेह की यह शांतमई अंदोलन है। सरदार ओंकार सिंह जी तुहाडे नाल मेरा लगातार जिहड़ा राबता तुसीं भी कहिंदे रहे फौजां जिहड़ियां बाबा जी अजे ना भेजो ना भेजो अजे घोड़सवार फौजां यह कोई लड़ाई का मैदान नहीं आपां बहुत शांतमई तरीके दे नाल देश विदेश दीआं समूह संगतां जिहड़ियां ने हिंदुस्तान दे जिहड़े जिन्ने भी किसान परिवार ने भावें किसे भी
जाति दे नाल संबंध रखता है, सारे ही किसान भरावां दे नाल खड़े ने। मैं जिथे मोदी सरकार नू अपील करदा उत्थे पुरजोर जिहड़ी है चेतावनी भी दिंदा, साडियां नहंग सिंह फौजां जिहड़ियां ने कदे भी अपील नहीं करदियां। पहला इन्हां ने भावें अहमद शाह अब्दाली नू भजाया सदा वास्ते, फिर अंग्रेजां नू भजाया सदा वास्ते, ते हुण साडी इह जिहड़ी सरकार है इह वोटां दे नाल चुनी होई है। मोदी नू इह समझ लेना चाहीदा दोबारा फिर जे वह सेवा लैनी चाहते ने हिंदुस्तान की, तो किसानों दियां जिहड़ियां मंगां ने पहल के आधार से मंग के फिर जिहड़ा होर भी कोई काम करना वह कर, उन्हां नू इह शर्म जिहड़ी है ला देनी चाहीदी है कि मैं जे कानून वापस लै लिया तो पता नहीं मैनू की होगा। जे किसान भरा जिहड़े ने इह उदों तक डटे रहणगे ते जदों तक इह डटे होए ने साडियां नहंग सिंह गुरु दियां लाडलियां फौजां भी इन्हां दे नाल पूरे तनदेही दे नाल इन्हां दे नाल डट के पहरा देंगे। मैं जिथे किसान भरावां दे नाल समुचियां नहंग सिंह जथेबंदियां भावें अज जिहड़े मुखी सिंह आए ने होर जिहड़ियां फौजां आईयां ने बड़े काले ने भी सानू घोड़सवार फौजां नू भी सारियां नू दिल्ली लैके चलो, पर असी समझते हाँ आप बहुत शांतमई तरीके दे नाल साडे किसान जिहड़े मुखी ने वह बहुत शांतमई तरीके दे नाल जिहड़ा इह अंदोलन नू चला रहे ने। जदों लोड़ पई इन्हां तों अगे हो के घोड़सवार फौजां इह साडी अपनियां ही सरकारां ने, इन्हां नू समझ लैणा चाहीदा जे साडे कोई भी दुनिया दे विच कोई माड़ा काम हुंदा तां उहनू समझना भी प्रधानमंत्री का काम है। इस करके ये जिहड़े किसान अंदोलन इत्थे सारे हिंदुस्तान तों इत्थे पहुंचे हुए ने वख-वख बार्डरां ते, ते उहनां नू जल्दी ये जिहड़े कानून तिन्ने ही ये रद्द करके किसानां दे हक की आवाज उठाउणी चाहीदी है। जिवें पहला बुढ़ा दल दे तीसरे जथेदार बाबा चौथे जथेदार बाबा जस्सा संजी आलूवालिया जी की अगवाई दे विच समुचे ही तरने दल जिवें अज चढ़ के आए ने, इन्हां ने दिल्ली जिहड़ी है तकरीबन 19 वारी फतेह करके लाल किले के उपर जिहड़ा केसरी निशान चलाया सी, ते इह जिहड़ा इन्हां नूं भुलना नहीं चाहीदा। सिख कौम है भावें हिंदू मुसलिम सिख ईसाई सारे आपां आपस च भाई हाँ, पर हिंदुस्तान की रक्षा वास्ते पंजाब ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां ने। जिथे भावें कोई भी धाड़वी चढ़ के आउंदे रहे सब तो पहला पंजाब ने उहदा डट के मुकाबला कीता। हुण भी साडे नौजवान जिहड़े ने बार्डरां दे उप्पर डटे होए ने, हर तरह इन्हां दे नाल खड़े ने, पर यह ना समझण यह मुट्ठी भरदे शायद इहो जिहा नहीं कदे भी समझना चाहीदा। जदों खालसे दा सिखां दा इन्हां नहंग सिंह फौजां दा 80-80 रुपए सिर दा मुल पैंदा सी, जदों मीर मन्नू जिहड़ा सी उह 80-80 रुपए मुल जिहड़ा रख्या होया सी उहने, ते उदों भी खालसे ने कोई परवाह नहीं कीती सी, ते अज भी समुचा ही खालसा पंथ जिथे समुचे हिंदुस्तान के जिहड़े किसान परिवार ने इन्हां दे नाल पूरे तन मन धन दे नाल डटे होए ने, ते गुरु दियां लड़दियां फौजां जिहड़ियां ने उह भी इन्हां दे नाल तन मन धन दे नाल डटे होए ने। जिवें महाराज ने कहा देह शिवा पर मोहे इह है, शुभ कर्मन ते कहूं ना डरो अरसो जब जाहे लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। सो आपां सारिआं ने बड़े अमन अमान दे नाल इह मोर्चे दे विच वध तों वध हाजरियां लवाउणियां ने। मैं समुचे श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त वल्लों 5 लाख रुपए जिहड़े किसान भरावां वास्ते ते नाल ही जथेदार बाबा गज्जन सिंह जी उन्होंने भी 51,000 रुपए जिहड़े है किसान भरावां दे अंदोलन वास्ते, ते बाबा
बाबा जी बाबा अवतार सिंह जी, दल पंथ बाबा विधि चंद जी दे मुखी, उन्होंने 1,25,000 रुपए जिहड़े उह किसान अंदोलन वास्ते हाजिर कीते ने। ਇਹ ਕੱਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਕੱਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸਰਦਾਰ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾੜਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ, ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 500 ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਜ ਗਜ ਕਰ ਗਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਕਸ਼ਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਗਜ ਗਜ ਕਰ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲ।